हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंटरव्यू है, अब आपका इंटरव्यू होने वाला है जेके पीएससी का, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज की क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका मेंस क्वालिफाई हुआ है जेके पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। आप इसे जिन जिन का मेंस क्वालिफाई हुआ है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे अभी आप अपने हिसाब से आपको अपना बेस्ट देना है, और किस डायरेक्शन पे आपको प्रिपेयर करना है, दैट मैटर्स। अब यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो हम लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट होता है, दैट इज डैफ। DAF stands for the Detailed Application Form। आप लोगों ने जो मेंस का रिजल्ट आया, आपने वो पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, वहां पे भी पीएससी मेंशन करती है DAF के बारे में। DAF stands for the Detailed Application Form। यहाँ पे जितना भी हमारा इंटरव्यू होता है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा DAF प्ले करेगा। अब DAF, आप अभी तक जो जेके पीएससी है, उन्होंने अपनी साइट के अंदर DAF जो है वो अपलोड नहीं किया। अब यहाँ पे मैं आपको जो पुराना डैफ था, जो लास्ट ईयर का डैफ था, जिसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था उस समय, तो उस डैफ के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या क्या है डैफ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन में दिखाऊंगी डैफ, और साथ में आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी डैफ का लिंक, तो आप वहां जाकर भी डैफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूंगी 2 से 3 प्रिंटआउट्स निकालना उस डैफ के, और जब भी आप प्रिपेयर करेंगे डैफ को, तो पहला डैफ आपने बनाया, ठीक है, तो अभी आपका इंटरव्यू सारा उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो डैफ में आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पीएससी का डैफ होता है, वो बहुत डिटेल डैफ नहीं होता। उसमें आपके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी उन्होंने ली होती है, अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा इंटरव्यू जब भी होता है, जब आप जाएंगे वहां पे अंदर, तो उनके पास जो मेंबर्स होंगे, उनके पास आपके पूरे डैफ की कॉपी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में साथ में आपका डैफ वहां पे अटैच होके उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब आप जाएंगे वहां पे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा आप अपने डॉक्यूमेंट की फाइल कैरी करते हैं, जो आप लेकर जाते हैं वो वैसे ही बंद होकर बाहर आ जाती है। उनके पास पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपका डैफ अवेलेबल है, तो आप ये समझिए कि आपके आने से 5 मिनट पहले वो आपका डैफ रीड कर रहे होते हैं, तो उसी से आप लोगों के पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। डैफ के अंदर आपका ऑप्शनल के बारे में नॉलेज होगी कि आपका ऑप्शनल क्या था पीएससी में, आप किन पोस्टिंग्स के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, पोस्टिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ये भी थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे, केएस को प्रायोरिटी देते हैं, देन केपीएस लिख देंगे, फिर रेवेन्यू सर्विसेज जो हमारा अकाउंट सर्विसेज होता है वो लिखेंगे। तो इन सबके एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही डैफ के बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा ऑप्शनल है, उसके बारे में बात की जाती है आपके इंटरव्यू में। फिर इसके अलावा जब हम लोग अंदर जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अभी क्या करते हो, करंटली आप लोग करते क्या हो, इन सब के बारे में आपके आपसे पूछा जाएगा। देन करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, डैफ को मैं लास्ट में टच करूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके ऑप्शनल की। अगर ऑप्शनल के रिगार्डिंग बात की जाए, जो भी आपका ऑप्शनल हुआ है, जैसे मेरा ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे मैं आपको अपने इंटरव्यू के 2 एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी कि उन्होंने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मेरा जो ऑप्शनल था वो था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंडियन इकोनॉमी से आएंगे, ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरे से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी से आएंगे, और इसके लिए मैं 2-3 दिन का न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो कर रही थी। मैं इनफैक्ट मेरा जो इंटरव्यू था वो इवनिंग शिफ्ट में था, तो मैं उस समय सुबह न्यूज़पेपर पे फोकस कर रही थी। जो न्यूज़पेपर था उसमें उस समय इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो मेरे को था कि वो लोग पूछेंगे, उन्होंने नहीं पूछा। अब मुझसे उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा कि अच्छा, मेन मेन फोर जो हमारे टॉपिक्स थे उसके बारे में वो पूछना स्टार्ट हुए। अब ये जो टॉपिक था ये मेरे माइंड पे चल रहा है,
अब मैंने क्या किया, जब मेरे से उन्होंने कोर सब्जेक्ट के ऊपर आए, तो यहाँ से मैंने इसकी एग्जाम्पल उनमें, मुझे एग्जैक्टली पॉइंट याद नहीं है, मैंने बट इन्फ्लेशन जो उस समय चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को वहां पे पुट करके कोशिश की कि मैं अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट कर सकूं। तो उस हिसाब से भी एक एक इस चीज को पुट करने का आइडिया ये था मेरे दिमाग में कि हाँ, उनको एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हाँ, करंट भी मैं फॉलो करके आ रही। तो मेरे से ओवरऑल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले उन्होंने पूछा माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें शटडाउन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एक शटडाउन का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत कोर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग वहां से बात की उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे से मार्केट स्ट्रक्चर में और फॉर्म्स में बात की, फिर उन्होंने वहां पे एक मेंबर ने मेरे से इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्या पूछा, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, जो क्या था कि उन्होंने पूछा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया मेरे को, फिर उन्होंने डेफिनेशन पूछी, उन्होंने एग्जाम्पल्स पूछना स्टार्ट की, उन्होंने दो तीन एग्जाम्पल्स खुद से पूछी, उन्होंने बोला इसमें से बताइए कि कौन सी जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर पूछा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हम सब पढ़कर जाते हैं। अब इससे आप लोगों को क्या समझ आना चाहिए कि आपका ऑप्शन अगर इकोनॉमिक्स है तो आप लोग फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़कर जाइए, आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में पढ़कर जाइए। फिर हमें यहाँ पे इसके अलावा अगर आपका ऑप्शन इकोनॉमिक्स नहीं भी है, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़कर जाना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप लोग पढ़कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर मेजर चीजें पूछी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, डैफ उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा कि आप करते क्या हो। तो मैंने उनको बोला कि आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर। तो उन्होंने फिर यूट्यूब के बारे में पूछा कि कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, क्या है, और उस समय मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। तो उन्होंने पूछा रीजंस क्या है कि मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ क्या। फिर उसके बाद जो उनका क्वेश्चन था, एक मेंबर ने बीच से उठ के पूछा कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में करते हैं, जो हमारी हमारा जो जेएनके है वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा हमें और ऑप्शंस देने चाहिए? क्या गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा एरिया है जहां पे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है? तो यहां से लिंक करते हुए वो कहां पे पहुंचे, अनएम्प्लॉयमेंट में पहुंचे। तो इस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की। तो यहाँ से मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है, जैसे जैसे जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उनमें से जिन लोगों से मैंने उस समय बात की थी, तो उनसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पे उन्होंने कोर चीजें पूछना स्टार्ट की। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑप्शनल आपका मेंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो अब आप ऑप्शनल में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना यहाँ पे। जैसे बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट, बहुत रेयर चांस है कि आपसे कोई पूछे। आप पैनल बनी है, ठीक है, 15 जून में को जो JKPSC की प्रॉपर पैनल थी वो भी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो आप लोग देखेंगे कि जो JKPSC की पैनल है वहां पे कौन कौन मेंबर्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर उनका बैकग्राउंड आपके सब्जेक्ट में के साथ है, ओवरलैप करता है, सेम सब्जेक्ट है, या कोई मेडिकल के बैकग्राउंड के हैं और आपका भी बॉटनी जोलॉजी MBBS बैकग्राउंड से हो, BDS से हो, तो आप लोग एक्सपेक्ट करके जाइए कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे टाइम पे एक फाइनेंस सर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे आई थिंक, तो उन्होंने मेरे से इकोनॉमिक्स पे, मेरा जो ओवरऑल इंटरव्यू रहा है वो उनके और मेरे बीच में से लग रहा था कि एक ही बात चल रही है। फिर क्योंकि चेयरपर्सन सर उस समय कहीं और गए हुए थे, चेयरपर्सन सर वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, तो उन्होंने पूछा। फिर एक बाहर का पर्सन था जो पैनल से नहीं था, उन्होंने मेरे से हिस्ट्री पे पूछना स्टार्ट किया। वहां पे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, क्योंकि हिस्ट्री मैंने उस समय रिवाइज नहीं की थी। तो हिस्ट्री पे उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उस समय मेरे से हिस्ट्री पे, वो मॉडर्न इंडिया से थे। तो मॉडर्न इंडिया को भी रिवाइज करके जाइए। आप लोग जब भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेजेस दिए हुए हैं या आप लोगों के अपने नोट्स होंगे, आप उनको रिवाइज करके जाइए। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है,
हमें अपना ऑप्शनल पढ़ना है, ठीक है। फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपके अपने ऑप्शनल के ऊपर होना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप करंटली कहाँ पे काम कर रहे हैं उस पे होना चाहिए। आप स्विच क्यों करना चाहते हैं वहां से यहाँ पे सिविल सर्विसेज में, आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू स्विच योर करियर पाथ। अगर आपका कोई गैप है, ठीक है, जैसे काफी लोगों का गैप होता है, तो वो गैप क्यों है, अभी तक वो गैप क्यों है। और अगर आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ पढ़, मैं अभी सिर्फ मैंने सिर्फ बीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए ब्रेक लिया था, तो आप डायरेक्टली वहां पे वही आंसर देंगे। आप अपना आंसर घुमाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। आप ये नहीं बोलना, आप गलत आंसर नहीं देना। अगर उनको लगेगा कि आप ब्लफ कर रहे हो, तो आपके लिए इंटरव्यू में मार्क्स कटने के चांस हो जाते हैं। तो डोंट ब्लफ, आप उनको डायरेक्ट आंसर देंगे। जो जो आपका ऑनेस्ट आंसर है आप वो दोगे। काफी लोग यहाँ पे, जितने भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें से काफी बड़ा चांस जो है वो ब्रेक लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उनको, आप जो भी आपका रियल ऑनेस्ट आंसर है, आप उनको वो ही देंगे। उसके अलावा घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शनल पे बात हो गई, फिर करंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना करियर पाथ क्यों स्विच कर रहे हैं, आप इस चीज को प्रिपेयर करके जाएंगे। डैफ में अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी। इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर्स आप लोग पढ़कर जाएंगे, और न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करिए। अभी तक आप में से काफी लोग मंथली मैगजीन्स पढ़ते होंगे, लेकिन नाउ आई सजेस्ट यू पर्सनली कि अब आप लोग न्यूज़पेपर पे फोकस करिए। अगर वो आपसे पूछते हैं 2 दिन या 3 दिन की न्यूज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए। अब आप वहां ये नहीं बोल सकते कि सर और मैम, मैं तो अभी तक करंटली मैगजीन्स को पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर मैंने फॉलो नहीं किया। जब आप पीएससी के एग्जाम के लिए बैठे हैं, आप ये आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पे आप फोकस करना स्टार्ट करिए। न्यूज़पेपर में अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई चीज आपसे पूछी जा रही है, तो वो भी आपको कवर करनी है। क्लियर, यहां तक चीजें समझ आई? आप डैफ पे चलते हैं, और उसके बाद कोई पॉइंटर मुझे याद आएगा तो वापिस उस पे आएंगे। दिस इज अ डैफ जो जो हम लोगों को उस समय दिया गया था, ठीक है। सेम डैफ है, 2016 लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे पास ये वाली कॉपी सेव थी। तो हमारे पास जो डैफ आता है, अब आपका यहाँ पे 2023 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का पेपर है ये। तो यहाँ पे आपका क्या है, पहले नेम लिखना, आप नेम आप लोगों को पता है। अब डैफ में आपको प्रिपेयर क्या करना है, जहां पे भी बैठ के लिख रहे हो आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। डैफ में लेट्स से मेरा नाम दीप्ति है, ठीक है, तो मुझे मीनिंग ऑफ माय नेम पता होना चाहिए। तो डैफ में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड, हमारे नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या प्रिपेयर करेंगे, अपने नाम का मीनिंग, क्या मतलब है आपके नाम का, और ट्राई करना कि मीनिंग को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फिर रोल नंबर, अब रोल नंबर जो है, जब भी आप यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे, रोल नंबर याद करके जाना। कोई भी मेंबर आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपना रोल नंबर बताइए, ठीक है। तो वो आपका क्या रिफ्लेक्ट करेगा, दैट विल रिफ्लेक्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मेमोराइज योर रोल नंबर। काफी टाइम क्या होता है, यहाँ पे सम ऑफ योर रोल नंबर पूछा जाएगा, सम ऑफ योर रोल नंबर, तो सम ऑफ योर रोल नंबर भी आपको आना चाहिए। फिर जेंडर आ गया, फिर मैरिटल स्टेटस आ गया, फिर यहाँ पे मदर टंग, आपका मदर टंग क्या है। अगर आपका लेट से मेरा यहाँ पे अगर रजौरी की बात की जाए, तो हम लोगों की घर पे या मुझे जो लैंग्वेज प्रॉपर आती है, दैट इज हिंदी, ठीक है। तो मैंने अपनी मदर टंग में लिखा हिंदी, तो वहां पे मेरे से यहाँ पे भी क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि आपकी टेक्निकली आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए पहाड़ी, लेकिन आप क्यों लिख रहे हैं मदर टंग हिंदी। तो मैंने यहाँ पे डिफेंड करते हुए उनको यही बोला कि सर, मेरी जो लैंग्वेज है वो टेक्निकली हम लोग बात करते हैं हिंदी पे, तो अब यहाँ पे पहाड़ी के बारे में बात की, तो मैंने जो आंसर दिया दैट इज कि जो हमारा यहाँ पे कल्चर है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल्स में अलाउ नहीं है,
अब बच्चों को स्कूल में अगर अलाउ नहीं है, अगर फैमिली के अंदर वो बोल नहीं रहा, तो कहाँ से वो लैंग्वेज सीखी जाएगी? ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारी लैंग्वेज के ऊपर अगर फोकस नहीं हो रहा, तो आप मत लिख कर जाइए कि आप वो स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, अनलेस एंड अंटिल आपको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देती पहाड़, तो मेरे से हो सकता है कोई बंदा बोलता, अच्छा आप पहाड़ी में बात करना स्टार्ट करो, मुझे नहीं आता, वहीं से इंटरव्यू प्रॉब्लमेटिक हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है GS 4 में, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे एथिक्स पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए डोंट मेक सच मिस्टेक जहाँ पे एथिकल क्वेश्चंस रेज हो। क्लियर? फिर एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, अब यहाँ पे अगर आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, तो लेट्स से आपका जम्मू का एड्रेस आपने यहाँ पे दिया, लेकिन जो आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस है वो किसका है? वो रजौरी का है। आप रजौरी के बारे में भी लिखेंगे, आप जम्मू के बारे में भी लिखेंगे, सॉरी याद पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं कि मेरा, मैं इस समय प्रेजेंटली जम्मू रहती हूँ, ठीक है, तो मुझे जम्मू के बारे में पता होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे कि कितने टाइम से आप जम्मू रह रहे हैं, क्या आपके फादर की या मदर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे है, क्या वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उसकी वजह से आप यहाँ रह रहे हैं, या व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आप यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब भी आपने लेट से जम्मू लिखा, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब जो 2016 वाला पेपर था, जिसका इंटरव्यू 2019 के अंदर हुआ, यहाँ से रूट के ऊपर मेरे से क्वेश्चन आया था, जम्मू से रजौरी जाते समय जो मेन हिस्टोरिकल लोकेशन है उसके बारे में उन्होंने पूछा। ठीक है, तो अगर आपका लेट से आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है, आप रामबन से हैं या कहीं से भी है, व्हाटएवर योर प्लेसेस, आप वहां से, ठीक है, मेन जम्मू से वहां तक का पूरा एरिया आप लोग लोकेशन लिख कर जाएंगे। याद करिए, लेट से अगर हम रजौरी और जम्मू के बीच में बात करें, तो यहाँ पे नारिया आता है, ठीक है, तो उन्होंने नारिया के बारे में पूछा था मुझसे, मुझे आज तक इंटरनेट में नारिया के बारे में ज्यादा नहीं मिला, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछा था उन्होंने मुझसे, तो मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों के आसपास कोई लोकेशंस ऐसी हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है खुद, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिसको पता है, आप वहां से उससे पूछिए, कॉपी पेन पे नोट करिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर नोट करिए। 2019 वाला जो इंटरव्यू था वो कहाँ था? वो जम्मू में था। अब श्रीनगर में जो 2023 में इंटरव्यू मैंने फेस किया, वो श्रीनगर में था, तो श्रीनगर में यहाँ पे काफी लोगों से पूछा कि आप कैसे आए हो, आप श्रीनगर अपने एरिया से उठकर कैसे आए, तो काफी लोगों ने बोला कि हम वाया रोड आए। जो लोग रोड से जा रहे थे, उससे उनसे किसी मेंबर ने पूछा कि आप रोड से आए हैं, तो रोड से आने में क्या रूट था, प्रॉपर रूट के बारे में आप हमें बताइए। ठीक है, डिस्कस अबाउट द रूट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आपने क्रॉस की, कौन कौन से वहां पे डेस्टिनेशन थी, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन थी, तो मैप देख कर जाना। ठीक है, तो JNK का मैप खरीद लीजिए, JNK का मैप अब जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं डेस्क के ऊपर लगाना। ठीक है, आते जाते उसको देखिए, लोकेशन देखिए, जम्मू टू श्रीनगर का पूरा जो पैसेज है वो देखिए, क्योंकि अभी भी आपके इंटरव्यू श्रीनगर में होंगे, तो ये सारा देखना स्टार्ट करिए। तो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस का मैंने आपको बता दिया, फिर आपका जो नेटिव प्लेस है, जैसे मेरा रजौरी है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि रजौरी के बारे में मुझे पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो अभी चेयरपर्सन सर है, वो IPS बैकग्राउंड से है, और जितना मैंने सुना है, क्योंकि काफी लोग जो AP का इंटरव्यू देकर आए थे, मैंने जितना उन लोगों से सुना, वो आपके एरिया के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, वो रजौरी में बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, वो पुंछ में बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, और मे बी आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चेयरपर्सन सर का खुद का इंटरेस्ट है इन एरियाज के अंदर। ठीक है, तो आप लोग, मैंने जिनसे बात की उनके नेटिव डिस्ट्रिक्ट थी रजौरी, पुंछ थी, तो आप लोग अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़कर जाइए। ठीक है, तो काफी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा कंटेंट, फिर जितना भी आप JNK के बारे में पढ़ेंगे, तो दो दो बुक्स उठा लीजिए, विजन की उठा लीजिए, अरिहंत की उठा लो, या देख लो अभी मार्केट के अंदर कौन सी बेटर बुक चल रही है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर ईमेल एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर का भी सम याद करके जाना, काफी लोगों से वो पूछते हैं लकी नंबर। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, अब आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, काफी लोग आंसर देते हैं इसका कि ये मेरा लकी नंबर है, क्यों? क्योंकि ये मेरा बर्थ डेट है,
ठीक है, क्योंकि आंसर तो देना है ना, अब आप क्या देंगे। तो लकी नंबर पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता, वो हमारा शायद साइकोलॉजी चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस समय, तो इन चीजों से क्वेश्चन आता है। आ प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया, प्लेस ऑफ बर्थ में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप लोग प्लेस ऑफ बर्थ को प्रिपेयर करेंगे, डिटेल में प्रिपेयर करना प्लीज, ठीक है, डिटेल में प्रिपेयर करना। और इसके लिए आपको अपने सराउंडिंग्स में किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब हम प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं, लेट से मैं रजौरी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप ये पॉइंटर्स मैं लिखवा रही हूँ, लिख लेना। लेट से रजौरी के बारे में बात कर रही हूँ, तो रजौरी के बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे रजौरी का नाम के बारे में पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी हिस्ट्री आई, हिस्टोरिकल क्या क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है इस प्लेस का, एंशियंट हिस्ट्री में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मिडिवियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और मॉडर्न हिस्ट्री में रजौरी को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है रजौरी डिस्ट्रिक्ट को लेकर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एज्यूम करिए प्रॉब्लम्स ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अगर रजौरी डिस्ट्रिक्ट में लेट से मैंने बोला वुमेन एडुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों वुमेन एडुकेशन अच्छी नहीं है। फिर अगर वुमेन एडुकेशन पे हम बात करें, तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं लिंक लेकर जा सकते हैं कि यहाँ पे काफी लोग जो फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं, जब वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वहां पे स्कूल्स के अंदर उनको पता चलता है कि टॉयलेट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जहां पे है भी तो हाइजीन इश्यूज आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो स्पेशली वुमेन के लिए हाइजीन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट लाइक कि मेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप मेंस्ट्रुएशन को ला सकते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप फ्री होकर, ठीक है, अब आप लोग पीएससी का एग्जाम के लिए फेस कर रहे हैं, आप आराम से अपने पॉइंट्स बताइए। इनफैक्ट जब आपको सर्विसेज में काम करना है, अब आप यहाँ पे ये मत दिमाग में लेकर जाइए कि पीरियड्स के बारे में हम बात करेंगे, ओ नो इट्स अ टैबू, इट्स नॉट अ टैबू, इट्स अ नॉर्मल थिंग, अब नॉर्मलाइज करना चीजों को शुरू करिए, ठीक है, लेकिन जब भी बोलेंगे एक ढंग के तरीके से बोलना, ये ना हो आप में से आप पीरियड्स के बारे में बात कर रही हैं और मुंह पे एक अजीब से स्माइल लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज आराम से बात करिए, आप पीएससी लेवल पे बैठ रहे हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए, आप ये चीजें इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की तरीके से बात करिए, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज के अंदर अगर हम रजौरी में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और मैं आपको वापस से बोलूंगी, आपके आपके नोन में कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनके साथ बात करिए, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है हम लोग अपने एरिया से बाहर नहीं निकले होते। लेट से अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर यहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरी लाइफ उतने में ही सीमित थी, ठीक है, उसके बियॉन्ड में नहीं गई। मुझे अगर कोई बोले कि थना मंडी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, मुझे मुझे नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम ये भी होते हैं हम पिकनिक के लिए गए हैं एंड सो ऑन, तो हमें नहीं पता रियलिटी क्या है, तो रियलिटी के लिए हमें कहीं ना कहीं उन लोगों से बात करने की जरूरत है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, अगर आपके सराउंडिंग्स पे कोई पर्सन है, आप उनसे बात करिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होगी हमारी। फिर नेम के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ पे रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो रजौरी में चल रहे हैं इस समय, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बात आप लोग देखेंगे। फिर कॉलेजेस कौन कौन से हैं रजौरी में, कितने कॉलेजेस हैं, यू शुड अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। फिर टोपोग्राफी ऑफ रजौरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जो इन पर्टिकुलर एरियाज के लिए आई थी, जेएनके के लिए अभी पीछे 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 काफी स्कीम्स आई हैं, तो आप उन स्कीम्स के बारे में पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग स्कीम्स के बारे में पढ़कर जाइए। मे बी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जब आप वहां पे बात कर रहे हो, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, लेट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज का जो सेशन है
मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आई, लेकिन जो चीजें दिमाग में है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, जब हम बात करेंगे आपस में या मेंबर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको इन्हीं चीजों को वहां पे उनको बताना है, क्लियर। अब यहाँ पे इसके अलावा वापिस से डेफ पे चलते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या प्रिपेयर करना होता है, आपके बर्थ के रिगार्डिंग कोई स्पेशल इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप गूगल करना सिंपली, ठीक है। लेट से मेरा बर्थ, लेट से किसी की बर्थ डेट है, मेरी बर्थ डेट है 9th of September, ठीक है। तो मेरे को 9th of September को सर्च करना है कि क्या 9th of September को कुछ हुआ था, ठीक है। क्या इस डेट का कोई सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लेवल पे सर्च करिए, ग्लोबल लेवल पे सर्च करिए। अब यहाँ पे अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे 9th of September में, अब ये मैं इंटरव्यू में जाकर ये नहीं बोल सकती कि भाई 9th of September को अक्षय कुमार का बर्थ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती, वो अलग बात है। थोड़ा सा जब कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो कुछ तो बोलना है ना, तो वहां पे। लेकिन प्रॉपर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। और इसके नोट्स बनाइए, सो दैट इंटरव्यू से पहले आप नोट्स पढ़कर जाएंगे। फिर कैटेगरी, अगर आपकी लेट से कोई कैटेगरी है ST है, फिर ST के बारे में पढ़कर जाइए। रिजर्वेशन क्या है पढ़कर जाइए। रिजर्वेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रिजर्वेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप, अगर आप अपनी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं वहां जाके, लेट से आपने लिखा ST हो आप या SC हो आप, अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसके प्रो में ही बोलना कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आपको, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, तो क्वेश्चन आएगा ना कि भाई आप तो क्लेम कर रहे हो रिजर्वेशन, और आप साइमल्टेनियसली बोल रहे हो कि रिजर्वेशन को हटाना चाहिए, कैसे, क्यों हटाना चाहिए। अगर हटाना ही चाहिए तो आप क्लेम क्यों कर रहे हो, समझ आ रहा है। तो आप जो भी बोले सोच समझ के बोले, एंटी नहीं बोलना, ठीक है, अपने अगेंस्ट मत होना, क्लियर। यहां तक समझ आया। आप रिजर्वेशन हो गया। अगर ST के बारे में बात करें, तो ST के बारे में आप कंप्लीट पढ़कर जाएंगे, ठीक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको रिजर्वेशन के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द फादर, फादर की प्रोफेशन, फादर की प्रोफेशन पढ़कर जाना, ठीक है, कि आपके फादर करते क्या हैं। और यहाँ से लेट से आपके जो फादर हैं वो इंस्पेक्टर हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंस्पेक्टर से, ठीक है। तो इंस्पेक्टर से अगर हम पुलिस सर्विसेज की बात करें, तो पुलिस सर्विसेज से जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि यहाँ पे आपकी जो पुलिस में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, रिफॉर्म्स इन द पुलिस। फिर पुलिस से यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ये क्वेश्चन बनता है कि हम लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, हम डरते हैं कि अगर कोई चीज, कोई क्राइम हो रहा है, तो हम रिपोर्ट करने से डरते हैं, क्या हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करके जाइए। आप जैसे मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर मैं एक्सपेक्ट करती, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती कि गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए क्या क्या स्कीम्स लेकर आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को जो प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड सो मेनी अदर स्कीम्स आर अवेलेबल, उन सबके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके, आपकी फैमिली में लाइकवाइज अगर आपके फादर एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एग्रीकल्चर के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए जो भी क्वेश्चन है, तो आप ये समझ के जाइए कि आपके डैप से बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर के साथ काफी सारी स्कीम्स एसोसिएटेड है, फिर MSP की प्रॉब्लम है, या आप देखिए करंट में एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है एंड सो ऑन। ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ठीक है। अगर आपकी सेम डिस्ट्रिक्ट है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है, लेट्स से मेरी रजौरी है, पर हम लोग
यहीं के हैं लोकल्स, तो अगर मैं रजौरी से, मेरे फादर रजौरी से बिलोंग नहीं करते, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, लेट से वो पुंछ से बिलोंग करते, तो मुझे थोड़ा बहुत पुंछ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? इफ योर फादर इज इन सर्विस द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के बारे में भी लिखेंगे, तो ये और ये जो है वो ओवरलैप ही करता है, अगर आपके रिटायर हो चुके हैं तो करंटली वो क्या करते हैं और इस समय वो क्या कर रहे हैं। देन नेम ऑफ द मदर, डिस्ट्रिक्ट टू विच योर मदर बिलोंग्स, लेट से अगर मेरी मदर की बात की जाए, वो रजौरी से ही बिलोंग करते हैं, अगर मेरी मदर जम्मू से बिलोंग करते तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता कि मुझे थोड़ा बहुत जम्मू के बारे में पता होना चाहिए ना, तो इस तरीके से। फिर मदर का प्रोफेशन क्या है, लेट से अगर किसी की मदर डॉक्टर है तो आप बताएंगे डॉक्टर के बारे में, मे बी वो डॉक्टर के बारे में पूछे कि किस तरीके का काम है या जो भी है। आप मेरी जो मदर है वो क्या है, वो हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ के लिए आप लोग जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज होम मेकर, तो आप लोग लिखिए कि वो होम मेकर है। अब होम मेकर को गलती से भी, ठीक है, इनके काम को जो घर पे, और आप लोगों को पता है, आप इवन हम लोगों को वैल्यू करना चाहिए कि अगर हम हमारे बिहाफ में हमारी जो मदर्स हैं वो घर को संभाल रही हैं, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो होम मेकर के जॉब को गलती से भी, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपकी आपकी मेंटेलिटी कुछ भी हो, आप यहाँ पे होम मेकर की जॉब को छोटा नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे होम मेकर से अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे उनके जो काम है उसको सपोर्ट करेंगे, एंड इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है? तो पॉजिटिव मैनर पे सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो सकता है अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो वहां पे आपसे पूछा जाए कि इनकी तो सैलरीज जो है उनके बारे में हम बात नहीं करते, इनकी जो जॉब्स हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते, क्या इट इज राइट और इट इज रॉन्ग? तो इन चीजों के बारे में आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है? या क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या आपकी मदर को भी सैलरी अलॉट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इस पे पढ़कर जाइए, गूगल में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो प्लीज रीड दीज थिंग्स। नेक्स्ट, फिर सेम चीज, रिटायर अगर हो गई है तो प्रोफेशन के बारे में, एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, ठीक है? फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से क्या आपकी कोई बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़कर जाइए। फिर आपको अपने के स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपकी कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हाँ, लेट से मैं अपनी बात करूं तो मेरी एडुकेशन GCW परेड से हुई है, तो यहाँ से मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुझे GCW परेड के बारे में बेसिक पता है। बेसिक्स का मतलब यहाँ पे मुझे GCW परेड के बारे में पता होना चाहिए कि ये कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉलेज, ये कॉलेज किसने बनाया, ये कॉलेज जो है ये, हाँ ये किसने बनाया, इस समय इसका प्रिंसिपल कौन है, ठीक है? इन इन सब चीजों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो आप अपने कॉलेज को आज गूगल में सर्च करना, कॉलेज की साइट होगी तो वहां पे आपको कॉलेज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसके बारे में पढ़कर जाइए। अगर आपकी एडुकेशन जो है वो स्टेट बोर्ड से हो रही है, ठीक है, तो आप स्टेट बोर्ड के बारे में भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लेकर जाना, गूगल कर लीजिए। अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सॉरी आपके स्कूल की स्कूल एजुकेशन जो है वो CBSE बोर्ड से हुई, आप उसके बारे में पढ़कर जाइए। अगर आप KV से पढ़े हुए हैं, आप KV के बारे में पढ़कर जाइए, ठीक है? अगर आप नवोदया विद्यालय से पढ़े हैं, JNV से पढ़े हैं, आप JNV के बारे में पढ़कर जाइए। अगर आपका स्कूल जो था वो आपके नेटिव डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जहां पे था, ठीक है, लेट से आपका JNV बुद्धल में है, तो आपको बुद्धल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो स्कूल के बारे में, स्कूल का जो हमारा बोर्ड था, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में पता होना चाहिए। लाइफ वाइज फॉर कॉलेज, अगर मेरा GCW परेड कॉलेज है तो मुझे पता होना चाहिए GCW परेड कॉलेज के बारे में। फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की, तो मेरे को जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, इस समय मुझे पता होना चाहिए कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है जम्मू यूनिवर्सिटी की, पुरानी यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ पे था, फिर यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किसने किया, फिर इसके अलावा मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस समय यहाँ पे वीसी कौन है यूनिवर्सिटी के, ठीक
ठीक है, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डैफ के बारे में इसीलिए बता रही हूँ, देखिए देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। लेट से किसी की मास्टर्स हुई है 2018 के अंदर, ठीक है। आज क्या चल रहा है, 2024, तो 2018 से 24 के बीच में आपका गैप क्यों है, आपको आपका गैप जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए उन, लेकिन बी ऑनेस्ट विद देम, ठीक है, ऑनेस्ट रहिए। तो आप लोग बताइए उनको कि क्यों गैप है। अगर आप किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप आराम से बताइए, ठीक है। इट्स नॉट अननेसेसरी कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए। अगर आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में टीचर है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। आप अगर कर रहे हैं, नॉर्मल है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा है, कहीं ना कहीं तो काम करोगे ना, तो टीचिंग अगर प्राइवेट स्कूल में कर रहे हो, इट्स नॉर्मल, आप आराम से कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, लेट से कोई जीएसए है आपसे, तो आप बताइए कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपका डिपार्टमेंट क्या क्या चीजें करता है उसके बारे में पता होना चाहिए, रोल ऑफ योर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कब से कब तक काम किया, और यहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में बात की जाती है, इट्स गुड कि आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, आप उनको बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, तो ये आपकी जॉब क्या है उस हिसाब से आप लोग देखिए, आपके एरिया में किस तरीके के काम होते हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर रोल है इन अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, उन उन चीजों के बारे में आप बात करेंगे। फिर आपकी जो जॉब है वो किस एरिया में है, ठीक है। लेट से कोई सांबा में जॉब कर रहा है, तो आप अपने एरिया के बारे में, अब आप इस एरिया के बारे में भी प्रिपेयर करके जाइए। आप यहाँ से आप शिफ्ट क्यों होना चाहते हो, आप यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर है कि हर बंदा एम्बिशियस होता है, ठीक है। एम्बिशन होना कोई गलत चीज तो नहीं है ना, तो आप उनको डायरेक्टली आप अपना आंसर बनाकर जाइए कि हाँ मुझे भी अपनी जो जॉब है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में जो है वो अपलिफ्टमेंट चाहिए। तो आप इस तरीके से आप उनको आंसर दीजिए और रियल लाइफ के आंसर दीजिए। फिर अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, तो आप उसके बारे में लिखिए। फिर स्पोर्ट्स, एनसीसी, अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है, लेट से आप क्रिकेट खेलते थे, आप क्रिकेट के बारे में पढ़कर जाइए। अगर आप अपने डैफ के अंदर लिख रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से कोई और स्पोर्ट है, एनसीसी है, एनसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं ये सब, जो सी सर्टिफिकेट है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, और काफी क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता है, जो एनसीसी वाला है वो मेरे से बेटर बता सकता है कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लाइफ वाइज स्पोर्ट्स से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। फिर पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज, अगर आपकी कोई भी पोजीशन थी तो आप लिखिए, ठीक है। अगर आप अपने कॉलेज में किसी भी रैंक पे थे तो आप बताइए वहां पे, ठीक है। तो क्योंकि वो आपका लीडरशिप एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन याद रखना अगर आपके कॉलेज में कोई पोजीशन है, आप किसी रैंक में थे कॉलेज में, ठीक है, सेक्रेटरी हो या कोई कोई भी आपका रैंक है, तो वो लीडरशिप आप पे झलकनी चाहिए। ये नहीं है वो आप वहां पे डरे सहमे से बैठे हुए हो, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपका कोई रैंक वहां पे है, इट मीन्स आप में लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, आपको उसको जस्टिफाई करना है। फिर आपकी हॉबीज के बारे में, अब यहाँ पे काफी लोग हॉबीज के बारे में गलत गलत लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी काफी लोग आप में से लिखेंगे अबाउट द कुकिंग, ठीक है, कुकिंग के बारे में लिखेंगे। कुकिंग वही लिखे जिसको पता है, जिसने आज तक पानी भी नहीं ना उबाला, प्लीज मत लिख कर जाना, ठीक है, या पानी और मैगी पे कुकिंग को रिस्ट्रिक्ट मत कर देना, ठीक है। या आप में से काफी लोग सोचते हैं यार कुकिंग कुकिंग कोई हॉबी तो नहीं है, मुझे बैडमिंटन लिखना चाहिए, बैडमिंटन तो खेला नहीं था आज तक, ठीक है। तो आप वही लिखो जो आपको आता है, अगर आप कुकिंग करते हो, कुकिंग का शौक है, लिखिए आराम से लिखिए। रीडिंग न्यूज़पेपर वो लिखो जो पढ़ता है, असल मायने में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप फॉन्ट हो न्यूज़पेपर पढ़ने के, आप लिखिए, ठीक है। फिर आप अगर बुक्स लिख रहे हो, किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर आप फिक्शनल बुक्स पढ़ते हो तो आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा कौन सी 10 फिक्शनल बुक्स के बारे में आप बताइए जो अभी आपने रिसेंटली पढ़ी, क्या क्या उसकी स्टोरी लाइन थी, आपको पता होना चाहिए। नॉन फिक्शनल बुक्स के बारे में अगर देखा जाए तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे बताइए। ठीक है, तो आप जो बुक्स पढ़ते हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तभी लिख, वहां ये नहीं बोल देना कि हाँ पॉलिटी पढ़ी थी लक्ष्य, वो तो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो तो आपको पढ़नी ही है, वो आपकी हॉबी नहीं है। ठीक है, तो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स अगर आप पढ़ते हैं आप बताइए। ठीक है, आपको हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन दैट डजंट इंक्लूड योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप ये नहीं बोल देना कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ के आई हूँ या पढ़कर आया हूँ। ठीक है, जो बुक्स आपके करिकुलम से बाहर की बुक्स है, हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अगर आपने पढ़ी है वेल, पॉलिटी में भी बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपके करिकुलम से बाहर हैं, अगर आपने पढ़ी है बहुत अच्छा है, आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। फिर यहाँ पे वेदर यू हैव बीन सॉरी सॉरी ठीक है, फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल। अब यहाँ पे आप क्या यूपीएससी में अपेयर हुए हो, यहाँ पे जो भी आप अगर आपने लिखा होगा यस तो आपको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने लिखा होगा नो आपको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी लिखोगे प्लीज लिखना सही, गलत मत लिख कर आना। इफ यस हाउ मेनी टाइम्स लिखिए, ठीक है, ब्लैंक अगर आपने नहीं अभी तक अपेयर हुए हो, सॉरी अगर अभी तक, हाँ अभी तक आप नहीं अपियर हुए हो तो इसको छोड़ दीजिए। फिर जेके सिविल सर्विसेज में आप कब तक कब अपियर हुए हो, ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा उन्होंने वो करके देंगे आपको, जो भी अभी आपका डैफ आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर वाला मैंने आपको डैफ दिखाया है, मेरे पास पुरानी कॉपी थी लेकिन लास्ट ईयर का जो डैफ है वो भी सेम था, उसमें यहाँ पे सिर्फ इसके आगे 16 कर दिया था उन्होंने, उसके आगे 18 कर दिया था, 18-19 उस तरीके से उन्होंने लिखा था। तो जब जब आप पीएससी में अपियर हुए हो, आपने जब जब आप अपियर हुए हो आप उसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आपसे वहां पे पूछा जाएगा, जैसे मुझसे पूछा उन्होंने कि मैंने उनको लिखा कि हाँ मैं अपियर हुई हूँ, ये लिखा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आप इंटरव्यू आपने कब दिया, मैंने लिखा कि हाँ इंटरव्यू मैंने दिया था 2016 वाले बैच में, और अब मेरा उससे पहले एक ही था, और फिर अभी जो लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया था 2023 में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स थे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से वहां पे देंगे। अब यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बता दी, इसके अलावा अब आप जब भी जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस की, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि प्रेजेंटेशन जो है दैट मैटर्स अ लॉट। आप काफी लोग कहते हैं कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बोलना है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है ड्रेस, आप क्या पहन के जाएंगे। अब मेल हो अगर आप तो आप प्रॉपर कोट पैंट पहन के जा सकते हैं, ठीक है, जो भी पहन के जाओगे बहुत टाइट है, ठीक है, प्रॉपर फिटिंग में होना चाहिए, जो जो डंकी फिटिंग होती है प्रॉपर टाइट नहीं है, ये ना हो आप बैठो और आपका आगे से स्ट्रक्चर ही गलत दिखना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मेल के लिए प्रॉपर जो कोट पैंट है वो पहन के जाइए, ठीक है, प्रॉपर जो सूट सूट होता है वो पहन के जाइए। फॉर गर्ल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या पहन के जाएं। देखिए यहाँ पे आप साड़ी भी पहन सकते हैं, आप यहाँ पे सूट भी पहन सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू है, ठीक है, उसमें मेजरली अगर आप साड़ी को कैरी कर सकते हो देन गो फॉर साड़ी, अगर आप साड़ी को कैरी नहीं कर सकते तो सूट के लिए जाइए। आप साड़ी के साथ काफी लोग हील्स पहन के जाते हैं, ठीक है, हील्स में कभी भी टक टक की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेजरली जो हमारी हील्स होती हैं उसमें काफी बार आवाज आती है, तो वो आप जब चलकर जा रहे हो वो आपको नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब वहां से वहां तक बैठेंगे, चेयर आपको मिलेगी, कंफर्टेबल होकर बैठना है, ये नहीं है कि आपको बैठना ही नहीं आता साड़ी में, जो भी आपके सैंडल्स होंगी, क्योंकि मेल तो आराम से अपने फुटवेयर पहन के जा सकते हैं, उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फॉर फीमेल जो आप पहन कर जाएंगे उसमें आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपकी सैंडल्स में आवाज है आप कॉबलर के पास जाकर
उसमें उसको करेक्ट करवा के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ये चीज बता दूँ, ठीक है, तो करेक्ट करवा के जाना, तो जो भी आप पहन कर जाएंगे वो डिसेंट होना चाहिए। फिर आपका जो भी हेयर स्टाइल आप करके जाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू 2 घंटे के बाद भी है वो एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। और हेयर स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाल खोल के मत चले जाना, ठीक है, प्रॉपर टाई करके जाइए, अच्छे से जाइए, ठीक है। अगर आप पोनी करके जा रहे हैं प्रॉपर करके जाइए, रबड़ जो है रबड़ मैच होना चाहिए, ठीक है, या ब्लैक ही लगाना, ब्लैक सबके साथ चला जाता है। आप यहाँ पे जब आप ड्रेस पहनेंगे तो कलर ऑफ द ड्रेस पे फोकस करके जाना, कलर जो है बहुत चटका नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स मत पहन के जाना। अगर आप ब्लैक पहनना चाहते हैं, ब्लैक अच्छा कलर है, ब्लैक पहन के जाइए, ठीक है। बेज कलर में अगर पहन कर जाना चाहते हैं, बेज पहन कर जाइए, फिर ब्लू पहन कर जाइए, लेकिन कलर जो होने चाहिए वो डिसेंट कलर्स होने चाहिए, ठीक है। रेड रेड मत पहन के जाइए, अवॉइड करिए रेड को, डार्क ऑरेंज को अवॉइड करिए, ठीक है। तो सिंपल कलर्स पहन के जाइए जो अट्रैक्टिव लगे, ग्रे पहन के जा सकते हैं, ग्रे एंड ब्लैक जो है वो वैसे ही क्लासिक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। और ड्रेस लास्ट के लिए मत छोड़िए, अभी से ड्रेस अपनी फाइनल करिए सबसे पहले, सो दैट आप एक या दो इंटरव्यू अगर मॉक भी देते हैं, एक इंटरव्यू उस पर्टिकुलर ड्रेस में देना, ठीक है, और वो ड्रेस आपके पास फाइनल होनी चाहिए, क्लियर। तो आपकी जो सैंडल्स होनी चाहिए उसको भी आप लोग अभी से सिलेक्ट करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आप, और फिर ड्रेस की अगर बात करें तो ड्रेस में बहुत ज्यादा डिटेल्स में मत चल जाना, जैसे काफी ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, और काफी बार अगर आप एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कपड़े पहन कर जाते हो ना, तो वो आपसे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ही क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर पूछा जा रहा है तो आपको उन डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अपनी ड्रेस सिंपल रखिए, सो दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बर्डन आप पे ना पड़े। अब यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात कर ली, फिर जब आप कोई वॉच पहन कर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वॉच पहन कर जा रहे हो तो यहाँ पे आपके वॉच के ऊपर क्या ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वापस बोला प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो यहाँ पे वॉच के ऊपर कौन सी ब्रांड लिखी हुई है, लेट्स से अगर मैंने कोई घड़ी पहनी है उसके ऊपर टाइटन लिखा हुआ है, तो मेरे को दिमाग में होना चाहिए, वहां ये नहीं करूंगी मैं अच्छा देख कर बताती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो आपका बता रहा है कि आप प्रेजेंट ही नहीं, ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, आप जा रहे हो, जो आपकी सर्विसेज है दैट इज सिविल सर्वेंट, ठीक है, आप सिविल सर्वेंट की जॉब के लिए जा रहे हो, आप एक्टिविस्ट की जॉब के लिए नहीं जा रहे हो। सिविल सर्वेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करना, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करना। अगर आप क्रिटिसाइज करते भी हो तो आपका जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ट्राई करिए जब भी आप एंड कर रहे हैं किसी भी चीज को, आपने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज गलत है, तो आप बोल सकते हैं कि सर और मैम दिस इज द बेटर वे, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए। आपकी बातों में ये नहीं लगना चाहिए आप एंटी गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकते अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो। आपका रोल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, रोल शुड बी कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ में बात कर रहे हो ना, अब आप स्पोक्स पर्सन बनने वाले हो गवर्नमेंट की, जो भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इम्प्लीमेंट आपने करना है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट के एंटी बोल रहे हो इसका मतलब आप एक्टिविस्ट के रोल को प्ले कर रहे हो, ठीक है, आप एक्टिविस्ट के रोल को प्ले कर रहे हो, आप जो है आप गवर्नमेंट के पार्ट बनने वाले हो ना, तो आपको रोल को जस्टिफाई करना है। और लास्ट पॉइंट जो मेरे को आपको बताना था दैट इज, हाँ, जब भी हम वहां पे बैठेंगे, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फाइनल इंटरव्यू से बैठने से पहले अगर आप मॉक दे सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, देयर आर सर्टन रीजन आप नहीं जा सकते, अगर आप वहां नहीं जा सकते आप लोग ऑनलाइन मॉक के लिए जाइए, वो भी नहीं कर सकते, आपके जो फ्रेंड सर्कल है आप उनके साथ बैठकर मॉक देना स्टार्ट करिए, ठीक है, आप उनको बोलिए, जो भी आपका बेटर ग्रुप है आप उनको बोलिए, पीयर ग्रुप है जो आपका, आप उनको बोलिए हेल्प करने को, ठीक है, आप उनको बोलो ये क्वेश्चन है, आपको आराम से कंफर्टेबल होके करना है। और जैसे ही आप वहां पे एंटर करेंगे, जो आपको चेयर दी जाएगी, ठीक है, वो चेयर अब आपकी है, ठीक
ठीक है, तो चेयर में सहम के नहीं बैठना, आपको आराम से सहम ये नहीं करना वहां पे बिल्कुल खोल के बैठ जाओ, आराम से सहम के नहीं बैठना, कंफर्टेबल होकर, पाँव आपके जो है वो जमीन में होने चाहिए, प्रॉपर टच करने चाहिए, शिवर नहीं करनी चाहिए टांगे, ठीक है, ये नहीं हो, क्योंकि नर्वसनेस में हम लोगों का क्या होता है, टांगे हिलाना स्टार्ट हो जाते हैं, या हाथ को हम इस सेक्शन में लेते हैं, ठीक है, जब हाथ हमारे इस सेक्शन में नहीं होने चाहिए, आप काफी टाइम हम लोग क्या कहते हैं, आप अपने जिनको हाथ हिलाने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैं मेरा हाथ कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, हाथों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, मूवमेंट पे अगर आपको लगता है आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, आप क्या करिए, आप लैप पे हाथ रखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिख सकता है, तो आप मेरे को एंगल एडजस्ट करने, तो मेरे हाथ ये है, मेरा हाथ लैप में होना चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर मेरी टांगे फोल्ड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लैप में मेरी टांगे होनी चाहिए, मेरे हाथ होने चाहिए, सॉरी, तो आराम से मैं एक के ऊपर एक क्रॉस नहीं करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, तो आई होप आपको चीजें समझ आई, और इसके अलावा एक और पॉइंट था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, एक्टिविस्ट वाला रोल इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, आप जब आप जाएंगे आपको विश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको विश करना है उनको, आराम से कंफर्टेबल होकर करिए, आप लोग सोचिए वो आप लोगों जैसे ही है, ठीक है, अब आप भी उनमें से ही एक बनेंगे, ऑफिसर रैंक के लिए जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे विश करें आराम से, नहीं आता, हाँ जो पॉइंट था वो ये था, अगर आपको लेट से मैंने आपको कोई क्वेश्चन आया नहीं आता, आप आराम से उनको बोलिए सॉरी सर सॉरी मैम नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, लेकिन आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना, हाँ ऐसे मत करना, ठीक है, या आप इधर उधर देखना मत शुरू कर देना, आराम से रिलैक्स होके, हर बंदे को हर चीज नहीं आती, कहीं टाइम हम रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप सीधे बोल सकते हैं सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अगर आपसे मैम ने पूछा है तो आप डायरेक्ट बोले सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आप इसी चीज को, अब आप हर चीज में मत बोलते रहना आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अब यहाँ पे इसी सेंटेंस को चेंज करके दो तीन इसके ऑल्टरनेट देख लीजिए, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला आई एम नॉट एबल सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, फिर थोड़ी देर बाद आप कुछ और आंसर दे सकते हैं, नहीं आ रहा अब क्या करें, उस समय तो कुछ नहीं कर सकते ना, सोचने का टाइम तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट देंगे इट्स ओके, कई बार आपको लगेगा कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे गुस्सा हो रहा है, ठीक है, तो इतना उस समय नर्वस नहीं होना, वो उस समय आपकी साइकोलॉजी चेक कर रहे होते हैं, कई बार हमें लगता है इंटरव्यूअर हमसे गुस्सा हो रहा है, तो उस समय आप आराम से रिलैक्स होके आप ये सोचिए कि ठीक है नहीं आता जो होगा देखा जाएगा, और काफी टाइम ऐसा होता है इन केसेस पे मार्क्स हमेशा अच्छे ही आते हैं कैंडिडेट्स के, इसके अलावा जो पॉइंट था दैट इज आप जब भी प्रेफरेंसेस भरेंगे वहां पे, ठीक है, आपको जब भी प्रेफरेंसेस फिल करनी है तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं केएस आपको फिल करना है, ठीक है, आपको केपीएस फिल करना है या रेवेन्यू सर्विसेज जिसको हम अकाउंट सर्विसेज कहते हैं, आपको अकाउंट सर्विसेज फिल करना है, तो इसके लिए आपका प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, देखिए मेजरली हम लोग केएस ही फिल करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे, लेकिन काफी लोग जो केएस और केपीएस में केपीएस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस केपीएस को फिल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई आपकी केएस और जो केपीएस को करना चाहता है देन केपीएस, ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड प्रेफरेंस की बात की जाए केएस के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे तीन सर्विसेज हैं केएस केपीएस एंड अकाउंट सर्विसेज, तो सेकेंड प्रेफरेंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं जल्दबाजी में केपीएस एंड देन अकाउंट सर्विसेज फिल करते हैं, और यहाँ पे केपीएस वाले को तो पता है कि मुझे आप केएस सेकेंड करना है और फिर मुझे थर्ड अकाउंट सर्विसेज लिखना है, अब यहाँ पे एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केएस के बाद एक्चुअली केपीएस नहीं चाहिए, वो लोग सोच कर जाते हैं कि हमें केएस इजिली मिल जाएगा, लेकिन उनकी सेकेंड प्रेफरेंस उन्होंने फिल की केपीएस, तो सेकेंड प्रेफरेंस के बेसिस पे उनको केपीएस मिलना है, तो यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, अगर आपको केपीएस नहीं चाहिए तो प्रेफरेंसेस में आप क्या करेंगे, आप अकाउंट सर्विसेज को फिल करेंगे देन आप केपीएस को फिल करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ध्यान रखेंगे आप, क्लियर? तो प्रेफरेंसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे अभी इंटरव्यू के लिए, आप अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे ये चीज मैटर करेगी, प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? आपका दोस्त ये प्रेफरेंस भर रहा है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप भी सेम प्रेफरेंसेस को भरेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये पॉइंट भी बता दिया, क्लियर? तो प्रेफरेंसेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी लोग आप में से ऐसे होंगे, स्पेशली जो वुमेन होंगी, तो आप लोग पुलिस सर्विसेज में जाना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए पुलिस सर्विसेज नहीं है, क्योंकि पुलिस सर्विसेज में बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, आपका उतना फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, आप उतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर नहीं हो, नॉर्मल है, ओके है, ठीक है, तो आप अकाउंट सर्विसेज भरिए, आप फिर केपीएस भरिए। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कह रहे हैं कि आप केपीएस भरिए देन अकाउंट सर्विसेज भरिए, उनके उन्होंने जॉब नहीं करनी। जॉब अल्टीमेटली आपने करनी है, आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको अगर केएस नहीं मिलता तो क्या मुझे केपीएस करना है या मुझे अकाउंट सर्विसेज में जाना है। ठीक है, तो इट शुड बी योर चॉइस, क्लियर? आप लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे, दैट इज यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोग आप में से अलग से अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मॉक इंटरव्यू नहीं दे रहे या अभी आप जब स्टार्टिंग में इनिशियली खुद से प्रिपेयर करेंगे, आप लोग क्या करिए, आप लोग एक ट्राइपॉड लीजिए, घर पे मिरर सबके होगा, ठीक है, तो मिरर के आगे बैठकर आप लोग क्या करिए, चेयर में स्ट्रेट आराम से कंफर्टेबल होकर जैसे आपको इंटरव्यू में बैठना है आप वैसे बैठकर मिरर के सामने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट से आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, मेरी ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगर लेट से अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, तो आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। और जैसे आज ही मुझे एक किसी कैंडिडेट का मैसेज आया था कि क्या हमें सिर्फ इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो आप उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दोगे। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आपको उसी पे बोलना है, क्योंकि इंग्लिश में जो कंफर्टेबल ही नहीं है, अब आप में से काफी लोग होंगे, ठीक है, जो कॉन्वेंट से हैं उनको इंग्लिश अच्छी आती है। जो बच्चा अपने यहाँ पे रजौरी में, अगर मैं बात करूँ, कहीं खाना मंडी जाके पढ़ रहा है, ठीक है, खाना मंडी किसी स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगी इंग्लिश आती है उसको बहुत अच्छी, क्या उसकी इंग्लिश फ्लुएंट होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बोलिए, आराम से बिंदास होकर बोलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन आया, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। हिंदी बोलना चाहते हैं हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश का मतलब है जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हैं कुछ हिंदी के हैं, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, आप वैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए। तो अब आप एक ट्राइपॉड लेंगे और मिरर तो होगा आपके घर पे, तो मिरर में आप देख कर बोलना स्टार्ट करिए। अगर आप कंफर्टेबल, आप अभी आप रूम आपके रूम में आप ही हैं तो आपके सामने तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना, तो आप बोलना स्टार्ट करिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद आपके पास जब ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में आपने अपना फोन एडजस्ट किया, ठीक है, बैक कैमरा रखिए, अब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपको समझ आएगा कि पहली बार तो मैंने बड़ा गलत बोला, ठीक है, अब अपने आपको हम ज्यादा ही क्रिटिसाइज करते हैं, दो या तीन बार के बाद वो चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करिए। आई होप जो चीजें मैंने आपको आज समझाई आपको समझ आया। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।